ये फर्स्ट गियर पे अगर मैं 22-23 पे चला गया तो वांग ऐसा आवाज़ आता है, तो 30 पे आपको ऐसा लगेगा कि साला मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। एंड तेल ज़्यादा खाती है ये गाड़ी। ये जो आप लोग रिव्यू देखते हो यूट्यूब पे कि 41 दे रही है, 47 दे रही है, 50 दे रही है, वो डेफिनेटली गलत है। ओली बाइक्स में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी NS200 को हो गए हैं 1.5 मंथ लाइक, तो इसका हम लोग अभी करने वाले हैं 1 मंथ ओनरशिप रिव्यू और मैं ही इसका रिव्यू करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसको चलाया है और इसको भगाया भी है, तो मैं जानता हूँ मतलब ये गाड़ी कैसी चल रही है। तो इसका 1 मंथ रिव्यू आज करने वाले हैं और फर्स्ट सर्विस भी इस गाड़ी का हो चुका है। तो चलिए आज अभी गाड़ी के पास चलते हैं और हम लोग एक पूरा इसका कच्चा चिट्टा खोलते हैं कि क्या है गाड़ी और क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एंड ये सिर्फ 1 मंथ रिव्यू है, तो इसका हम लोग 2 मंथ भी करेंगे, 3 मंथ भी करेंगे, तो ऐसा हम लोग रिव्यू करेंगे। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो लुक है गाड़ी का जो लुक है वो आप देख सकते हैं, नेकेड स्पोर्ट बाइक में आती है गाड़ी और इसके लुक वाइज मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। जो इसका लुक है गाड़ी का मुझे बहुत ही पसंद है और मुझे उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है। और इसमें अगर हम लोग ने फेयरिंग लगा दिया और आगे प्रोजेक्टर लगा दिया और थोड़ा सस्पेंशन चेंज कर दिया तो ये RS200 हो जाएगी। और ज़रा आप देख सकते हैं, इधर आइए, मेरे को पीछे कोई स्प्लेंडर पे कुछ तो कर रहा है, स्प्लेंडर पे कोई बंदा पीछे पता नहीं कुछ कर रहा है, तो पता नहीं उसका आवाज़ कितना आ रहा है। तो मैंने जैसे बोला कि ये बाइक जो है, अभी वापस से हम बाइक पे आते हैं, तो ये जो बाइक है लुक वाइज में मुझे कोई भी इसका प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि इसका थोड़ा फेयरिंग लगा देंगे और आगे का ज़रा प्रोजेक्टर लगा देंगे तो RS200 हो जाती है। तो अब इसकी बात करते हम परफॉर्मेंस की। अब बाइक का जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि इनिशियल गियर में मैं फर्स्ट गियर में 1-20 जाता, उसके बाद जो बाइक है वो गियर मांगती है और मतलब पावर मांगती है ज़्यादा। अगर मैंने ये फर्स्ट गियर पे अगर मैं 22-23 पे चला गया तो वांग ऐसा आवाज़ आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो है गाड़ी ज़्यादा गियर मांगती है और ज़्यादा बोलती है कि मुझे भगाओ। तो ये जो गाड़ी है ये मतलब आप ऐसा मत सोचना कि मैं स्लो चलाऊंगा या वो चलाऊंगा, इसका स्लो ही मैं बोलूंगा कि 50 है, स्लो टू स्लो मैं बता रहा हूँ 50 है। क्योंकि जब आप 30 पे चलाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जब आप 60 पे जाते हो 70 पे जाते हो तब आपको फील आता है अच्छा गाड़ी चल रही है, मतलब 30 पे आपको ऐसा लगेगा कि साला मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। तो ये एक सच्ची वाला मतलब पॉइंट है, ऑनेस्ट पॉइंट है कि गाड़ी गियर मांगती है। इनिशियल 20 या 15 तक जाएगी, उसके बाद सेकंड आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेकंड नहीं शिफ्ट कर सकते क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है, आपको फटाफट फर्स्ट गियर पे आना पड़ता है। और मैं अगर मैं 15 के अंदर चला रहा हूँ तो मैं फर्स्ट गियर पे ही रहता हूँ। तो ये है इसका इंजन परफॉर्मेंस। और अभी तक मैंने इसको हाईवे पे फोर्थ गियर में 100 भगाया है, 100 मैंने खींच लिया है और RPM लॉक नहीं हुआ था तभी, तो मैंने फोर्थ गियर पे 100 अभी तक भगाया है और सर्विस के पहले भगाया, सर्विस के बाद नहीं भगाया। और परफॉर्मेंस वाइज मुझे अच्छी लगी, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आया परफॉर्मेंस वाइज में। एंड तेल ज़्यादा खाती है ये गाड़ी। एंड थोड़ा अभी हम इधर आते हैं, थोड़ा ये साइड आते हैं, गाड़ी को भी थोड़ा लेते हैं अभी। तो थोड़ा ज़्यादा तेल खाती है ये गाड़ी, मतलब अब अगर आप देखोगे कि जो अगर आपको माइलेज वाली बाइक चाहिए तो माइलेज वाली बाइक, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि माइलेज दे रही है। जो आप लोग रिव्यू देखते हो यूट्यूब पे कि 41 दे रही है, 47 दे रही है, 50 दे रही है, वो डेफिनेटली गलत है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये बाइक आपको 32 तक देगी, हाईवे पे आपको शायद 35 दे दे, बट ज़्यादा मैं बोलूँगा कि 30 पकड़ के चलो सेफ साइड के लिए, दिस इज़ रियलिटी। 41 मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो देखा था, एक बंदा बोल रहा है कि 2024 पल्सर 200 NS 47 उसको दिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे को तो नहीं मिला अभी तक भाई। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि मैं सिटी में चलाता हूँ, मुझे 25 दे रही है फर्स्ट सर्विस के बाद, शायद मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 35 लगता है उसके ऊपर, मुझे नहीं 47 तो मुझे नहीं लगता भाई। उसके बाद इंजन में मैंने और एक चीज़ फेस किया था, इंजन हीट हो रहा था मेरा। अगर मैं थोड़ा पास में भी जाऊँ तो अगर आप लोअर गियर पर चला रहे हो तो इंजन हीट होता है, बट अगर आप फोर्थ या फिफ्थ पे चला रहे हो या थर्ड पे चला रहे हो तो इंजन हीट नहीं होता है। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मुझे अभी तक ये इशू फेस नहीं किया कि मेरा इंजन हीट हो रहा है। और मैंने कूलेंट भी, आप देख सकते हैं, मैंने कूलेंट भी इसका पूरा फुल करवाया है, कूलेंट भी मैंने इसका फुल करवाया, तो तब से मैंने इसका कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। और बस एक ही ये जो इसका एग्जॉस्ट है वो थोड़ा ठुकता है, तो अभी तक तो सिर्फ 3 बार ठुका है। तो पिलियन के साथ अगर आप बैठे हो तो, कल मुझे एक बंदे मिले थे
उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप स्पीड ब्रेकर पे चलाते हो तो आपको क्रॉस में निकालना पड़ता है ये बाइक, तो मैं एक बार वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करूँगा। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ स्ट्रेट ही जाना है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाला होता है, तो यू नो इसका एक प्लेसमेंट मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में लगा। उसके बाद टायर्स, मुझे अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि टायर्स इसके वो है, मुझे ग्रिप नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ, मुझे टायर रिलेटेड कोई भी मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा है। एंड आई थिंक सो यहाँ पर थोड़ी गंदगी हो गई तो उसको साफ़ करना पड़ेगा एंड टायर रिलेटेड। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये इसका बहुत ही चीप क्वालिटी का, ये देखो बहुत लोग बोलते हैं बहुत ही चीप क्वालिटी का, बट ये इसलिए दिया है कंपनी वालों ने कि अगर ये हार्ड रहेगा ना तो फिर अगर इधर कुछ भी टकराता है तो टूट जाएगा, तो इसलिए इसको एकदम ड्यूरेबल बना के दिया है कंपनी वालों ने। मुझे बहुत बार बहुत लोगों ने बोला है कि ये बहुत ही चीप क्वालिटी का, बट ये चीप क्वालिटी का नहीं है, इसको बहुत ही ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कंपनी ने बना के दिया है। उसके बाद ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, पीछे का ब्रेक एकदम मक्खन चलता है, आगे का ब्रेक में पता है बहुत ही स्मूदली लगाना पड़ता है। जो आगे का ब्रेक है ना, अगर आप एकदम झटके से दोगे ना ब्रेक तो ऐसा हो जाओगे, मैंने एकदम झटके से ब्रेक दे तो ऐसा हो जाओगे, तो ब्रेक भी आपको एकदम ऐसे एकदम प्यार से लगाना पड़ेगा तब जाके वो गाड़ी रुकती है प्रॉपर। बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि ब्रेकिंग वेकिंग में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो हर बाइक में होता ही है नॉर्मली, तो ब्रेक रिलेटेड भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर हेडलाइट की बात करूँ तो हेडलाइट भी मुझे, देखो भाई हेलोजन है बट मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया हेडलाइट में। एंड आप देख सकते हैं सिर्फ ये चेंज हमने किया है यहाँ पर, सिर्फ इसका एक फ्रेम हमने लगवाया है, तो हेडलाइट इंडिकेटर रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कंसोल के बारे में भाई मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कंसोल कैसा है, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं कंसोल के बारे में। उसके बाद हम आते हैं अगर एरोडायनामिक्स, गाड़ी का बहुत अच्छा है। ये लोग आप यहाँ पे थाइज रख सकते हैं, तो थाइज के लिए पूरा वो बना है, तो अगर आप स्पीड में चलाते हैं एंड अगर आप थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं आगे तो गाड़ी एकदम स्पीड में जाती है आगे, तो ये गाड़ी मतलब मैं बोलूँगा कि जो इंसान माइलेज चाहता है कि मुझे 60 का माइलेज मिले तो 50 का माइलेज मिले, बट तो मैं वो बोलूँगा उसके लिए वो बाइक नहीं बनी है। ये बाइक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जो क्या बोलूँ मैं, जो हवा से बातें करते हैं उन लोगों के लिए बाइक है, और जो हवा से बातें नहीं भी करते हैं मतलब जो नॉर्मल थोड़ा देख के चलाते हैं बट उनको पावर चाहिए, उनके लिए भी ये बाइक है। तो वो अगर आप NS ले रहे हैं, और ऊपर से वन मोर पॉइंट कि आपको इसको अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो फिर पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है। और ब्रेक मुझे एकदम अच्छे लगे, इंजन की बात हमने कर ली, लाइट्स की बात कर ली, बिल्ड क्वालिटी मुझे, देखो यार बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है क्योंकि आई थिंक सो इसमें मेटल का, इसमें भी शायद फाइबर के ही पार्ट है, आई नीड टू कंफर्म इट क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, जैसे यामा में सब फाइबर के पार्ट्स होते हैं, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। बट यामा इज़ अ वेरी गुड बाइक एंड वेरी गुड कंपनी ऑल्सो, वेरी गुड बाइक बोल रहा हूँ। ओके, तो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा लगा है। एंड मिरर्स का इसका एक मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि यार देखो मैं सर्विस सेंटर से मिरर ये ठीक करा के लाया था, बट अभी फिर से अगर मैं ऐसा करूँगा ना ये ढीला हो जाएगा, तो ये फिर से ढीला हो गया, ये टाइट है ये ढीला हो गया, तो ये मिरर का मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है। और कंसोल आप देख सकते हैं अभी मैंने गाड़ी कितना चलाया, 809 होगा, ये देखो गाड़ी 813 चल चुकी है, कल 808 था, अभी गाड़ी 813 किलोमीटर चल चुकी है। एंड देखो अभी ये पूरा आपको कंसोल मिलता है, तो बस मैंने कंसोल तो मैंने बहुत वीडियो में बताया भी हूँ, तो दिस इज़ द कंसोल के इसलिए पर आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर आप इसके ऊपर और वीडियोस चाहते हैं, और हाँ मैं और एक पॉइंट लास्ट में एक ऐड करना चाहूँगा कि इसकी जो सर्विसिंग है वो बहुत ही अच्छी सस्ते में हो जाती है, बट यू नीड टू वॉच इन द सर्विस सेंटर, बिकॉज सर्विस सेंटर वाले बहुत स्कैम करते हैं, आपके साथ भी स्कैम कर सकते हैं, तो यू नीड टू वॉच 1000 टाइम एंड देन यू हैव टू गो इन द सर्विस सेंटर, एंड जब आप इसको सर्विस में देते हैं यू हैव टू बी देयर। एंड मेरा सर्विस सेंटर का फर्स्ट सर्विस का वीडियो देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। एंड बारिश में आप लोगों को यहाँ पर DW कुछ तो आता है वो लगाना पड़ेगा ताकि इसमें जंग ना पकड़े, एंड आपको एक अच्छा रेनी सीजन वाला कवर लेना पड़ेगा ताकि पानी ना जाए, वरना एक बार जंग लग जाता है तो फिर आपको पूरा चेंज करना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वो प्रॉपर नाम के साथ। एंड आई थिंक सो ये E20 फ्यूल थोड़ा पावर कम है इसमें, इनिशियल में थोड़ा पावर कम है, हाई एंड पे पकड़ लेती है गाड़ी, इनिशियली गाड़ी थोड़ा कम में जाती है, तो दिस इज़ द E20 वाले का थोड़ा लोचा है। एंड हाँ आई एम टेलिंग यू गाइज कि कभी भी, देखो यार ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है बट मैं ऐसा मानता हूँ, यू शुड नेवर गेट पावर, E20 वाला फ्यूल आप इस्तेमाल मत करो, एथेनॉल फ्यूल इस्तेमाल मत करो, यू शुड ओनली यूज़ पेट्रोल,
पेट्रोल इज द बेस्ट थिंग नाउ इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट यार इट्स अब आपका टेक है इस पे व्हाट यू वांट टू से बट आई एम टेलिंग यू बट E20 वाला फ्यूल इस्तेमाल मत करना दिस इज माई टेक एंड आप इट्स अ ओपन कॉन्वर्जेशन आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं एंड उसके बाद आई थिंक सो मैंने सब कुछ अभी बता दिया बाइक के बारे में एंड दिस इज माई 1 month रिव्यू तो जिन लोगों को पावर चाहिए जिन लोगों को थोड़ा बजट में इसका मेंटेनेंस करवाना है और जो लोग यू नो एक अच्छी बाइक चाहते हैं अच्छी बाइक मतलब लुक वाइज रिस्पॉन्स वाइज कि ऑडियंस का कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है एंड यू नो थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए तो उसके हिसाब से ये बाइक बहुत ही अच्छी है एंड माइलेज भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ख़राब मिलता है माइलेज आपको आराम से मैं बोलूँगा 30 तो मिल जाएगा 30-32 आपको मिल जाएगा तो उस हिसाब से आप NS ले सकते हैं और इसके कंपटीशन में मैं अगर बोलूँ तो कोई बाइक है नहीं एक्सपल्स एक आपको मिलेगी बट उसका अलग मतलब वो अलग ही कैटेगरी की बाइक है एक्सपल्स 4V तो वो अलग कैटेगरी की बाइक है इसके कंपटीशन में कोई भी बाइक नहीं आती अगर आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो फिर आपको डेफिनेटली MT से स्टार्ट करना पड़ेगा जो 2,05,000 की आती है आई डोंट नो मैं बहुत 2,00,000 आई थिंक सो हाँ 2,05,000 की MT आती है बट MT से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और MT भी शॉर्ट राइडर के लिए ही होती है तो इसके कॉम्पिटिशन में कोई बाइक नहीं है तो इफ नाउ इट्स योर चॉइस यू वॉन्ट टू गो फॉर इट और नॉट एंड अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है इस बाइक के बारे में तो आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जो इसका सस्पेंशन है देखो सस्पेंशन मुझे अच्छा लगा है एंड अपसाइड डाउन फोक्स के साथ सस्पेंशन आते हैं एंड अभी मैं अगर मैं वापस से सर्विस सेंटर में जाऊँगा तो डेफिनेटली जो इसका सीट है एक बार मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा ऑडियंस को कि जो मेरा सीट है मैं थोड़ा उसको ऊपर करवाऊँगा अगर मैं नेक्स्ट टाइम सर्विस सेंटर में जाऊँगा तो डेफिनेटली सस्पेंशन मुझे अच्छा लगा है पीछे का और आगे का भी एंड थोड़ा स्टिफ नहीं लगता है बट हाँ उतना थोड़ा और अच्छा हो सकता था सस्पेंशन भी मतलब थोड़ा और यू नो अच्छा हो सकता था बट सस्पेंशन रिलेटेड भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा गाड़ी में एंड दिस इज द बाइक आपको अभी 360 व्यू मैं देना चाहूँगा कि एक बाइक कैसी दिख रही है दिस इज द 360 व्यू ऑफ अ बाइक एंड यू कैन सी द होल बाइक एंड अभी मैंने यू नो थोड़ी वैसी हो गई है बाइक तो दिस इज द बाइक कंडीशन आप देख सकते हैं 1 महीना ही नया बाइक है अभी तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं ओनली बाइक्स पे कमेंट सेक्शन में जाके एंड अगर दूसरे वीडियोस आप देख रहे हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस इससे बनाए तो वो भी आप देख सकते हैं गाइज तो गाइज आज के लिए इतना ही गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय